हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं मोटो के G62 5G फोन का फुल डिटेल रिव्यू। और यदि आप इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए। यदि इसका आज फर्स्ट सेल होता है या फिर 19 को, तो मैं इसका फर्स्ट सेल में फोन परचेस करके इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी डाल दूंगा। तो चलिए फटाफट से करते वीडियो को शुरू। और चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करते इस फोन के स्टार्टिंग प्राइस का, तो 6GB 128GB का आपको 17,999 रुपये देखने को मिल जाता है। और इसका टॉप वेरियंट आता है 8GB 128GB, जिसका आपको 19,999 रुपये देखने को मिलता है। तो प्राइस तो काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। वैसे आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा, ग्रे एंड ब्लैक कलर में। इसे आप लोग 1 TB तक मेमोरी भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में। जैसे आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस एक्स्ट्रा स्मूथनेस के साथ में 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, 5.6 डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसे एक बात क्लियर कर दूं कि इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता, बट 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि काफी फास्टली वर्क करता है। इसमें आपको बैक प्लास्टिक बैक ही देखने को मिलेगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया। ना तो बैक आपको ग्लास मिलेगा, ना ही आपको इन डिस्प्ले मिलता है। बाकी बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा से आपको टिपर कैमरा सेटअप दिया गया है। कैमरा के पर्पज से ये फोन आपके लिए काफी जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है 50+8+2 का। और फ्रंट आपको 16 MP का सेल्फी के लिए कैमरा दिया गया है, तो कैमरा के मामले कोई कटौती नहीं है। मोटो की तरफ से हमेशा ही कैमरा काफी जबरदस्त दिया जाता है, तो कैमरा के पर्पज से ये फोन आप लोग इजिली ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस फोन के वेट का, तो इस फोन का वेट आपको 184 ग्राम देखने को मिल जाता है। वहीं ये फोन आपको एंड्रॉइड 12 पर रन करता है। बात करते हैं तो इसमें आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, ताकि आप लोग इजिली हेडफोन वगैरह यूज कर सकते हैं। और यदि आप लोग गेमिंग मीडिया की यूज करते हैं तो ये फोन आप लोग के लिए काफी जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है और प्रोसेसर इसमें उतना ही तगड़ा मिलता है। प्रोसेसर भी इसको कोई कटौती नहीं किया गया है। इसमें आपको क्वालकॉम का Snapdragon 695 प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफी जबरदस्त प्रोसेसर है। इसमें आपको ये 6 नैनोमीटर पे वर्क करता है। और इसे आप लोग गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, टास्क वगैरह कर सकते हैं, अल्ट्रा हाई ग्राफिक पे गेम कीजिए, कुछ भी कीजिए, VGMI खेलेगा, फ्री फायर खेलेगा, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलेगा, कोई भी गेम खेलेगा, आपको ये प्रोसेसर दिक्कत नहीं करेगा। नहीं इसमें आपको ओवर हीटिंग देखने को मिलेगा, ना ही लैग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आप लोग गेमिंग के पर्पज से या हैवी टास्क के पर्पज से ये फोन परचेस कर सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं इस फोन बैटरी की, तो बैटरी भैया इसमें काफी लॉन्ग मिलती है, 5000 mAh की काफी लॉन्ग बैटरी मिलेगी। साथ में आपको 3300 वाट फास्ट चार्जिंग दिया गया है। तो आप डे टू डे यूज कीजिएगा, हैवी टास्क वगैरह कीजिएगा, फिर भी आपको एक दिन का इजिली बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। कितना भी गेमिंग वगैरह मीडिया कीजिएगा तब भी एक दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। और नॉर्मल यूजर्स हैं तो 2 दिन आप लोग इजिली इस फोन को यूज कर सकते हैं। बात करते हैं चार्जिंग टाइम का, तो आपको 3300 वाट फास्ट चार्जिंग होने के कारण 1 घंटा 10 मिनट आपका 100% चार्ज हो जाएगा और 30 मिनट आपका 50% बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। और इस प्राइस सेगमेंट में अगर हम देखते हैं तो काफी चीज अच्छा है। इसमें आपको डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है, कैमरा अच्छा मिल रहा है, प्रोसेसर मिल रहा है, बैटरी सभी चीज ऑल इन वन मिल रहा है। तो आप ये फोन परचेस कर सकते हैं। लो प्राइस सेगमेंट बेस्ट स्मार्टफोन है, लो तो नहीं कहेगा, फिर भी मिड रेंज में काफी जबरदस्त स्मार्टफोन है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।